बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने में एक ऐसा तबका है जो जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहा है और जिन्हें सरकारें जो है आए दिन ठगने का काम करती, या तो नियमित करने के नाम पे या तो सैलरी बढ़ाने के नाम पे। और ये वो तबका है जिनके ऊपर काम लादा ही जा रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, यहाँ तक कि जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके काम कम वेतन ज्यादा। और ये वो लोग हैं जिनका काम ज्यादा वेतन कम है और लगातार जो है काम के बोझ तले दबते जा रहे हैं। अब ये कहीं जाकर के आवाज उठा रहे हैं और पहुंचे हुए जिला कलेक्टर के कार्यालय में, जी हाँ, ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। ये है सेकेंड ANM और ये स्वास्थ्य विभाग में जड़ का काम करते हैं, ये रूट लेवल पे काम करते हैं, ये स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में इनके साथ ना इंसाफी क्यों? एक तो रेगुलर नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? इनकी भूमिका अहम नहीं है क्या? अहम है, इसीलिए तो इन्हें काम दिया जा रहा है। और काम ज्यादा दिया जा रहा है फिर वेतन कम क्यों दिया जा रहा है? चलिए तो अलग विषय हो गया, लेकिन इस वक्त ये ज्ञापन देने पहुंचे हुए इनकी ही जो है अधिकारियों से, पदाधिकारियों से जानेंगे कि यहाँ पर आज ये किन समस्याओं को लेकर आए हुए, किन किन कामों का बोझ इन पर लादा जा रहा है और वो किन के हिस्से का काम है, ये भी पब्लिक को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर सरकारें आपका पैसा खर्च कर रही है, जनता का पैसा खर्च कर रही है कहीं दुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य दुरुस्ती के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो कितना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, किसे कम किसे ज्यादा दिया जा रहा है, जानने का हक जनता को है। मैडम आपका शुभ नाम क्या है? मीना के जी, मैं लॉन्डीगुड़ा ब्लॉक से हूँ और मेरा पोस्टिंग एरिया यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी पे है। और हम लोग कलेक्टर सर से इसलिए ही मिलने आए थे क्योंकि 22 तारीख से जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो काम बंद है, उन लोगों का ऑनलाइन काम बंद है। हम लोग का ये कहना है ऑनलाइन काम बंद है तो ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारी उनका ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? उनकी संख्या बल ज्यादा है, बड़े संगठन उनके पास है, उनके संगठन के बड़े पदाधिकारी सामने आ जाते हैं, जब ऐसे जब काम तत्काल बंद कर दिया जाता है कार्रवाई नहीं करते हैं वो, संघ के दबाव में नहीं करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि सेकंड ANM की संख्या बहुत कम है, इस वजह से आप लोगों के ऊपर काम लादा जाता है ज्यादा? हाँ, काम लादा जाता है और प्लस हम लोग संविदा में है तो हम लोग का साल में एक बार CR भरा जाता है, तो उसमें हमारे अधिकारीगण हम लोग को थोड़ा मतलब प्रेशराइज करते हैं कि आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा ही, अगर नहीं करते हैं तो CR खत्म कर दिया जाएगा, अगर CR खत्म होता है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उस दबाव में आके हम लोगों को करना ही पड़ेगा, हम लोग आगे खुल के हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अच्छी बात होती है, फाइल वर्क हो या फिर जो है ऑनलाइन वर्क हो, आप लोग कितने प्रकार की जो है योजनाओं के ऊपर और कितने प्रकार के जो है काम आप लोग इस वक्त कर रहे हैं? 35 राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं हम लोग। NHM से हैं तो लगभग है, नेशनल हेल्थ मिशन है तो ये राष्ट्रीय स्तर के जो है जितने भी योजनाएं उन पे काम कर रहे हैं। 35 होता है, 35 का फाइल वर्क करना हो या फिर ऑनलाइन एंट्री करनी हो, सारी चीजें करती हो, काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना आप लोगों को पड़ता होगा। और उसी के बदले जो है जितना रेगुलर कर्मचारी उनको कितने काम करने पड़ते हैं? सेम है, काम बराबर है, लेकिन वो रेगुलर पोस्ट में है, उनके साथ व्यवहार अलग किया जाता है, हमारे साथ व्यवहार अलग किया जाता है। अगर वो ड्यूटी पे ना भी रहे तो अधिकारी बोलेंगे ठीक है, लेकिन एक संविदा कर्मचारी अगर नहीं रहता है ना तो सीधा लेटर बना दिया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों, क्या लगता है आप लोगों को? अब ये संविदा कर्मचारी है इसलिए है। संविदा जी, क्या संविदा ना श्राप है? शब्द है, श्राप है हम लोगों को, हम लोग तो यही बोलेंगे। तो अभी आप लोग पर्टिकुलर किन कारणों से यहाँ पर आए हुए हैं, कौन से ऐसे वेबसाइट के काम आप लोगों को ऑनलाइन दे दिया गया है कि जो आप नहीं करना चाह रहे हैं जी, या फिर वो नहीं करना चाह रहे हैं जो रेगुलर है? सभी काम करना चाह रहे हैं पर ये है कि वो भी काम करें, काम उनको भी उसी काम के लिए पैसा मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, हमको तो कम सैलरी मिल रहा है, हमको 10 से 12 हजार मिल रहा है, तो वो भी काम करें हम भी करें, हम काम नहीं करेंगे नहीं बोल रहे, हम काम करेंगे। क्या उनके हिस्से का काम आप लोगों से करवाया जा रहा है? हाँ, कराया जा रहा है। ये कौन करवाते हैं, ब्लॉक स्तर से होता है, जिला स्तर से होता है? ये पूरे जिला स्तर से होता है। सही, कौन रेगुलेट करते हैं ये, किन के जिम्मे ये है कि आप जो है रेगुलर वालों से काम ना करवा के आप संविदा से करवाओ, ये कौन डिसाइड करते हैं? ये मतलब है पर्टिकुलर, दोनों का समान है, रेगुलर संविदा दोनों का है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रेगुलर वाले को स्टाफ बोलते हैं हम तो बुजुर्ग हो गए, हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है। भाई हम लोग संविदा में भी तो बहुत सारे हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन उनको तो करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, यहाँ पे चुपचाप हो करा दिया जाता है। उन्होंने तर्क क्या दिया है, क्या तर्क दिया है आप, जैसे कि उन्होंने लेटर दिया हुआ है कि हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, तो तर्क क्या दिया गया उसमें, क्यों नहीं करेंगे? ऑपरेटर का काम हम नहीं करेंगे, हम नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल? हाँ जी। तो आप लोग ऑपरेटर का काम क्यों करते हैं? हमको करना पड़ता, दबाव डाला जाता है तो हम करते हैं। तो उनके जैसे आप लोग लेटर नहीं दे सकते थे कि ऑपरेटर का काम हम क्यों करें, तो ऑपरेटर किस बात का पैसा लेंगे? इसलिए हम लोग कलेक्टर से मिले, इसलिए आज आप लोग हैं जी। क्योंकि देखिए सेकंड ANM जो है यूं ही बहुत कम देखा जाता है कि ये बाहर आते नहीं है।
एक तो शनिवार रविवार छुट्टी दो दिन मिलता है शायद उनको छुट्टी, और ये 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हैं। अगर किसी सब सेंटर में न मिले तो कार्रवाई हो जाएगी संडे के दिन भी, ये प्रावधान इनके लिए है। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। और जब भी बात आती है भारत में संवेदनशील होने की तो महिलाओं के मामले ज्यादा हुआ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में क्यों? इन्हें बराबर छुट्टी का अधिकार है, चले नहीं दिया जा रहा है, प्रावधान नहीं है, तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जिन्हें छुट्टी ज्यादा मिल रही है कम से कम वो तो ज्यादा काम कर सकते हैं, सही बात है जी। ठीक है, तो ये जो है बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ग्राउंड पे चल रही है, वरना हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं जानते हैं चीजें अलग होती है। ये एक्चुअल परेशानी ये है, कुछ लोगों को छुट्टी ज्यादा मिलता है, तनख्वाह ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को छुट्टी कम मिलता है, काम ज्यादा मिलता है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? अब देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो इससे पहले या मौजूदा भाजपा की सरकार, वादे बहुत किए जाते हैं चुनाव से पहले पहले, लेकिन कुछ ना कुछ तर्क दे करके टाल दिया जाता है। सैलरी बढ़ाइए, काम बढ़ाइए, समझ में आएगा। सर मैं शासन से एक बात कहना चाहूंगी, पिछले जो शासन थी उसने उन्होंने कहा था कि हमको 27% दिया जाएगा, वो 27% ठीक है भूपेश बघेल जी ने बोला कि हम देंगे करके, लेकिन वो भी ना कुछ विभागों को है, उसमें NHM नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि ठीक है बीजेपी का भी सरकार आए हुए एक साल हो गया, तो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग के अपने हिस्से का हक मिल जाए, 27% मिल जाए। जो साल का 5% है वो तो शुरू से ही मिलता आ रहा है, लेकिन ये 27% हम लोग को नहीं मिल पाया, 2 साल हो गए। तो हम लोग आपके थ्रू शासन से बोलना चाहेंगे, हमारे बड़े अधिकारी से बोलना चाहेंगे कि 27% हम लोग को दिला दीजिए। इसके लिए हमारे ऊपर तक प्रांत अध्यक्ष तक ऊपर जा रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। क्या लगता है भाजपा की मंशा क्या है?